बोर्ड परीक्षा में अव्वल रहने पर छात्रा का क्या सम्मान। उत्साहवर्धन के लिए छात्रा को माला व साफा पहनाकर फुलेरा दामोदर कुमावत तिकटवर्ती ग्राम बिटोन स्थित श्री बालाजी पब्लिक स्कूल में 10वीं कक्षा की छात्रा सुमन चौधरी ने श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 91.20% अंक प्राप्त कर गाँव व आसपास के क्षेत्र में स्कूल का नाम रोशन किया। विद्यालय के शंकरलाल सैनी ने बताया कि श्री बालाजी पब्लिक स्कूल में बोर्ड परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 91.20% करने पर छात्र सुमन चौधरी पुत्री शंकरलाल चौधरी का विद्यालय परिवार की ओर से माला व साफा पहनाकर छात्र का उत्साह वर्धन किया गया। इस अवसर पर स्कूल की 14 बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार प्राप्त करने पर माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर शाला प्रधान विक्रम सिंह ने विद्यालय में उपस्थित विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज का समय विद्यार्थियों के लिए चुनौती भरा है। आज शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। इस दौर में जो अव्वल रहता है वही श्रेष्ठ है, इसलिए विद्यार्थी जीवन में इधर उधर की बातों से दूर रहकर शिक्षा को जीवन में धार ले और अव्वल शिक्षा प्राप्त करे, वही छात्र राष्ट्र का निर्माण करने में अग्रसर होगा। उन्होंने छात्र सुमन को पुरस्कार प्राप्त करने पर शाला के विद्यार्थियों को प्रेरणा लेने की बात भी कही। इस अवसर पर व्यवस्थापक लक्ष्मी नारायण परेवा, सह निदेशक मनीष कंवर, परीक्षा प्रभारी दैश अहमद शेख, शाला निरीक्षक शंकरलाल सैनी, वे पंकज परेवा सहित स्टाफ व संरक्षक सूबेदार हरि सिंह खंगा रोत ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि इसी प्रकार मेहनत करके परीक्षा में अव्वल रहने पर बल दिया। शाला प्रधान ने वार्षिक प्रतिवेदन सुनाया व कार्यक्रमों के बारे में अवगत कराया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम सुमन चौधरी है, मेरी परसेंटेज 91.20 है। इसका जो श्रेय मैं अपने माता पिता और अपने जो अध्यापक है, जो हमारे प्रिंसिपल है, उनको और जो सब्जेक्ट के टीचर है उनको देना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी मेहनत और उनके मार्गदर्शन के कारण ही मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ, यानी 91.20 तक है। तो उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया, अनुशासन का पाठ पढ़ाया ठीक से, और जो हमारे प्रिंसिपल है उन्होंने मुझे अलग से मोटिवेट किया कि बेटा कुछ बड़ा सोचो, बड़ा सोचोगे बड़ा बनोगे। तो उन्होंने मुझे अपने जो जीवन है उसका लक्ष्य बताया कि बेटा कैसे लक्ष्य टारगेट करते हैं। तो इनकी वजह से मैं आज जो भी हूँ उनको आगे क्या करने का है आपका? आगे मुझे अभी आरएस का जो सपना है वो पूरा करना है। और टीचरों के प्रति आपका कैसा व्यवहार है? टीचरों ने मुझे अनुशासन का पाठ पढ़ाया, वो उनका बिहेव मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो हमेशा हर बच्चे को मोटिवेट करते हैं और बच्चे को अलग से अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं। स्कूल में कितने साल से हो? मैं यहाँ से फोर्थ क्लास से पढ़ रही हूँ और मुझे 12th क्लास में पास हो गई। आपको कैसा फील हो रहा है बच्चों के साथ, टीचरों के साथ? बहुत अच्छा लगा। वैसे तो उनका माहौल है जो वहाँ पे टीचरों ने जो अनुशासन पढ़ा के अच्छा कर रखा है, जैसे बच्चों को इन्होंने अलग से शिक्षा देते हो। आप भी छोटे भाई, धन्यवाद हमारी तरफ से सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।